पढ़ी लिखी हैं, मान लिया आपकी शादी ब्याह हो जाती है, पढ़ी लिखी हैं आप 10 बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ा लीजिए, इतना एक घंटा फ्री बैठे हुए 10 बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर आता है आप 2 पीस कंप्यूटर रख लीजिए, 3-4 पीस कंप्यूटर रख लीजिए, आप आराम से मोहल्ला में बता दीजिए फला फला सब लड़की लोग आपके पास आएगी पढ़ने के लिए, कंप्यूटर सीखने आएगी। आप 500 रुपये महीना लेते हैं, आप अगर 10 बच्चे तो 5000 रुपये आप महीना आराम से बैठे बैठे, किसी चीज़ का कोई झंझट नहीं, घर में बैठे बैठे इज्जत के साथ आप अपने आने वाले जनरेशन जैसे भाई है, बहन है, छोटा भाई बहन है, उसको पढ़ा सकते हैं। बेनिफिट्स, अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स है पढ़ाई करने का। ओके नेक्स्ट, कोई और? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इज्जत मिलेगा और हम कुछ भी कर सकते हैं अपने तरफ से अगर हम पढ़े लिखे हैं तो। देखो ये भी एक अच्छा पॉइंट है क्या कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दैट ओपन्स योर माइंड, आपका माइंड खोलता है तो आप क्या होता है ना, किसी को अच्छा मशवरा दोगे तो आपकी इज्जत होगी। आप पढ़े लिखे हो तो आप अगर कोई किसी को पता है कि ये लड़की है और डॉक्टर है, अगर डॉक्टर है और अगर कोई लड़की है नाटी है लेकिन डॉक्टर है तो उसका रिश्ता जल्दी आता है, डॉक्टर है भाई बैठ के पैसा कमाएंगे, वो हस्बैंड भी चाहता है कि हो सकता है मेरा नौकरी छूट जाए तो कम से कम बीवी तो डॉक्टर है ना, इलाज भी फ्री होगा, ठीक है। टीचर, गवर्नमेंट टीचर, देखो जो लड़कियां लोग गवर्नमेंट टीचर होती है उनका फटाक से शादी हो जाता है, फटाफट शादी होता है। तुम लोग लड़के हो ना, जैसी तुमको सरकारी जॉब मिलेगा ना 100 लड़कियों का रिश्ता आना चालू हो जाएगा, 100 लड़की का, 100 से ज्यादा। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा तो तुम 100 लड़की के पीछे भागोगे, अरे हम मेरे बेटा है बहुत अच्छा है देखने में अच्छा है। तो पढ़ाई लिखाई का बहुत पावर है, खास के लड़कियों का जहाँ तक बात है, और आप लोगों को लड़के कंपेयर करो समाज में, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत बहुत ऐसी लड़कियों को मैंने देखा जो खूबसूरत नहीं है लेकिन वो पढ़ी लिखी बहुत है, बहुत हाई लेवल का है, 40-50 हज़ार रुपये कमा रही है और उसकी शादी बहुत अच्छे लड़के से होती है, बहुत अच्छे एडवोकेट से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, इस तरह के हाई क्वालिफाइड लोगों से उसकी पढ़ाई होती है, उसकी शादी होती है। नेक्स्ट, कोई और? ओके, कोई बॉयज है ऐसा जो ये सजेशन देना चाहता है कि सर लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, देखते हैं बॉयज का क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। जैसे घर में गार्जियन होते हैं ना, जैसे वाली साहब तो भी एक मर्द की शक्ल मतलब बॉयज से ही जाते हैं, ठीक है, तो वो उनका भी कहना रहता है बेटी तुम क्या पढ़ोगी, तुमको वही गोल रोटी बनाना है, वही चावल बनाना, वही खिचड़ी बनाना, तो वो चीज़ सीखो ना। तो आगे तुम लोग के जहन में क्या है, क्या है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? तो माइक दो प्लीज, देखे कौन बोलता है। ओके फाइन, नहीं आंसर है, चलो आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। ओके लिसन, ट्रेन आ रही है क्या? अभी मनोहर हो, ट्रेन आ रही है।